आपने एज एन एक्सपीरियंस ज्वाइन किया है एंड मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, तो आई एम श्योर आपके काफी डिफरेंट राउंड्स हुए होंगे. सो माइक्रोसॉफ्ट के हायरिंग प्रोसेस में आपके क्या क्या राउंड्स हुए थे? तो एक मंथ तो टीसीएस में सिर्फ ट्रेनिंग ही देते हैं. ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, काफी इंटरेस्टिंग है कि कॉलेज से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एलुमनाइज को मौका मिल रहा है कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का. सैलरी डिफरेंस कितना रहता है सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड? तो स्वाति, आपने सर्विस बेस्ड में भी काम किया है टीसीएस में एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी आपने काम किया, आपने उनके इंटरव्यूज दिए हैं एंड आपने एक्सपीरियंस किया है. तो उससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ. Hi everyone, I'm Sumbul Arifa. I'm a software engineer at Microsoft and welcome to my YouTube channel. आज मेरे साथ है स्वाति झा. She is also working at Microsoft as a software engineer. Swati, can you please introduce yourself? Okay, so my name is Swati Jha. So I'm currently working at Microsoft as a software engineer. Before Microsoft, I have worked at Samsung and TCS. I have graduated from BIT Sindri. This is a government college in Jharkhand in 2021. Okay. तो आपका कॉलेज कौन से टायर में आता है? टायर 1, 2, 3. इट इज टायर 3 कॉलेज. ओके, सो यू आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेज एंड यू हैव वर्क्ड एट टीसीएस, सैमसंग एंड माइक्रोसॉफ्ट. राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद योर कॉलेज जर्नी. आपके कॉलेज में कोडिंग सिनेरियो कैसा था? ठीक है, तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बैच के लोग सब जिनको कोडिंग करना है सब अलग अलग कोडिंग करते थे. ऐसा नहीं था कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है या फिर कोई ऐसा क्लब है जिसमें सब लोग एक साथ कोडिंग कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं कि कौन सा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हैकाथॉन्स भी हमारे कॉलेज में नहीं होता था, तो कोडिंग कल्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था. जिसे सीखना था वो सब इंडिविजुअल अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे. ज्यादा हमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि किसी भी कंपनी में जाने के लिए. बस हमें इतना पता था कि टीसीएस, विप्रो ये सब कंपनी आएगी प्लेसमेंट में. सीनियर से पता चलता था कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या सिनेरियो होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, उनका हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कॉलेज. यू मीन एक्सपोजर काफी कम? हाँ, एक्सपोजर कुछ था ही नहीं. बट आपने बताया टीसीएस वगैरह आती थी, तो प्लेसमेंट सिनेरियो क्या था आपके टायर 3 कॉलेज में? प्लेसमेंट सिनेरियो जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आती थी सीएससी के लिए. एंड हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि कोर कंपनीज जो कॉलेज में थी उनका प्लेसमेंट का पैकेज ज्यादा था. कभी कभी हमें फील होता था कि हम सीएससी क्यों लिए हैं, क्योंकि कोर कंपनीज की प्लेसमेंट बेटर हो रही थी. कोर कंपनीज एज इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब कंपनीज की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी पैकेज पे होती थी. एंड उस टाइम फील होता था कि सब ऐसे बोलते हैं ना कि सीएससी का प्लेसमेंट सबसे बेटर होता है, बट हमारे कॉलेज में अपोजिट था. ओके, सो आपने फिर टीसीएस क्रैक किया, तो क्या वो ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था? तो टीसीएस हमारे कॉलेज में ऑनलाइन भी आती है और टीसीएस कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ऑफ कैंपस भी. तो कोडबीटा एक ऐसा एग्जाम है जो टीसीएस हर ईयर कंडक्ट करवाती है. उसमें 6 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 आवर्स का टाइम मिलता है बनाने के लिए. तो मैंने ये एग्जाम दिया था, इसके थ्रू ही मुझे इंटरव्यू कॉल आया था टीसीएस से, तो ये ऑफ कैंपस ही था. ओके, तो टीसीएस में आपने फिर ज्वाइन किया, आपने कितने टाइम टीसीएस में काम किया एंड आपका काम कैसा होता था टीसीएस में? क्लाइंट की मीटिंग्स होती थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, हमें वो मीटिंग अटेंड करना होता था. और एज आई वॉज अ फ्रेशर तो मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट का उस टाइम आइडिया नहीं था, तो जो सीनियर्स होते थे वो हमें फिर बताते थे कि क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करते थे. तो मेन डिस्कशन वही लोग सीनियर्स लोग कर रहे होते थे क्लाइंट के साथ, तो बस वही था. फिर कुछ टास्क हमें असाइन करते थे और वो हमें करने होते थे. टीसीएस में मुझे ज्यादा टाइम मैंने नहीं काम किया है, मुझे 5 मंथ्स के बाद मैंने टीसीएस में रिजाइन कर दिया था और उसके बाद जो नोटिस पीरियड था. तो आप उस जर्नी के बारे में बता सकती हैं, टीसीएस टू सैमसंग आपकी कैसी जर्नी रही, आपको ये अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली एंड कैसे आपने प्रिपरेशन करी? ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि सैमसंग में जो प्लेसमेंट हुआ वो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था. एंड जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आती थी प्रोडक्ट बेस्ड, सिर्फ टीसीएस, विप्रो और सर्विस बेस्ड कुछ और कंपनीज आती थी. तो जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सैमसंग हमारे कॉलेज आएगी, तो मेरा टीसीएस में हुआ और उसके बाद मुझे कोई भी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला प्लेसमेंट्स का. तो टीसीएस में मेरा लास्ट ईयर 2020 सितंबर में हो गया था. उसके बाद 1 साल था बट मुझे कैंपस प्लेसमेंट्स में अलाउ नहीं किया गया बैठने के लिए. तो उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस थोड़ा ट्राई किया, बट उस टाइम मेरा डीएसए कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग नहीं था और उस टाइम मुझे पता चला था, थोड़ा एक्सपोजर मिला था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है प्लेसमेंट्स के लिए. तो मैंने इंटरव्यू दिए थे बट उस टाइम बस मुझे एक्सपीरियंस लिया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं. फिर जब मैंने टीसीएस में स्टार्ट कर दिया वर्किंग, और उस टाइम जब मैंने 5-4 महीने हो गए थे, 3-4 महीने मुझे टीसीएस में,
तब मेरे कॉलेज से अपॉर्चुनिटी आता है कि सैमसंग कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई है, तो अभी सारे लोग अलाउ है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो सारे लोग, एक्चुअली ये हुआ था कि हमारे बैच के सारे लोग ही वर्किंग स्टार्ट कर चुके थे हर अलग अलग कंपनी में। उस टाइम पे कोई अवेलेबल ऐसे था नहीं कि किसी की जॉब नहीं लगी हो, या फिर सीएससी ब्रांच से कोई वैसा था नहीं। तब उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है सारे लोग बैठ सकते हैं, और सैमसंग फर्स्ट टाइम आई थी तो ये कॉलेज का भी था कि हाँ सबको अलाउ करते हैं। काइंड ऑफ ड्रीम कंपनी थी हमारे कॉलेज के लिए। तो उस टाइम पे मुझे, फिर मैंने टीसीएस में जाने के बाद प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने तब तक डीएससी भी सही हो गया था, और फिर उस टाइम मैंने क्रैक कर लिया। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, काफी इंटरेस्टिंग है कि कॉलेज से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एलुमनाइज को मौका मिल रहा है कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का। और बहुत अच्छे टाइम पे मौका मिला था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी, मेरा डीएससी चल रहा था प्रिपरेशन, और उसी टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई। आई थिंक दिस इज वेरी गुड, एंड कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी एंड देन आपका सैमसंग में हुआ। हाई, आई होप आपको अभी तक ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। हमने अभी तक स्वाति की स्टोरी सुनी एंड देखा कि कैसे टायर 3 कॉलेज से स्वाति को TCS की अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। बट स्वाति का फॉरएवर ड्रीम था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का, जिनको उन्होंने अचीव किया खुद को अपस्किल करके। उन्होंने TCS में रहते हुए सैमसंग का ऑफर क्रैक कर लिया, एंड लेटर ऑन हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट भी क्रैक करी। सो अगर आपका भी सपना है टॉप प्रोडक्ट कंपनीज क्रैक करने का, तो मेरे पास एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके अपस्किलिंग की एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो है बॉस कोडर अकेडमी, जो कि क्लेम करता है कि आपको 6 months के अंदर अंदर अपस्किल करवा के टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में सक्सेसफुली स्विच करवाएंगे थ्रू देयर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, वन ऑन वन मेंटरशिप्स और मॉक इंटरव्यूज, डेली और वीकली असेसमेंट्स एंड और भी बहुत कुछ। इनके प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद आपको 2 मेन बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। सेकेंडली, सिस्टम डिजाइन LLD एंड HLD दोनों आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो क्लेम कि उनका एवरेज पैकेज 24 LP है, जो कि सही बताऊँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी EMI काफ़ी अफोर्डेबल है, और तो और ये लोग 14 डेज रिफंड पॉलिसी भी रखते हैं, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा। इनके वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, मेक श्योर टू चेक देम आउट। सो आपका सैमसंग में एक्सपीरियंस कैसा रहा? सैमसंग में एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया। वहाँ पे मोस्टली मैंने एंड्रॉयड पे काम किया, तो जावा एंड कॉटलिन और ब्लूटूथ पे काम किया। इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या हुए थे सैमसंग प्लेसमेंट के लिए? ठीक है, तो सैमसंग प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट राउंड तो कोडिंग टेस्ट था, जिसमें DSA के क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 hour 30 minutes मिले थे, और 3 questions करने थे DSA के। तो कोडिंग टेस्ट ये रहा था, और फिर इंटरव्यू राउंड्स 2 हुए थे, जिसमें एक राउंड में DSA के क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS, इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक ही राउंड में DSA और ये दोनों हुआ था। फिर लास्ट राउंड HR राउंड था, उसमें बस मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए कि सैमसंग क्यों ज्वाइन करना है, इतनी जल्दी TCS से स्विच क्यों करना है, रिलोकेशन के लिए प्रेफर कर रहे हो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपने कौन से पॉइंट पे स्विच का सोचा, एंड फिर आपने जॉब सीकिंग कैसे करी? ओके, तो सैमसंग में मैंने 1.5 साल काम किया। तो उस टाइम मुझे, मैं स्पेसिफिक ब्लूटूथ पे काम कर रही थी, तो मुझे थोड़ा उस काम में थोड़ा सा सैचुरेटेड लग रहा था मुझे, कि मैंने 1.5 साल जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो काफ़ी सारी मैंने नई नई चीज़ें सीखी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा कि अब मुझे इस फील्ड में नहीं, कुछ मुझे दूसरे फील्ड में जाना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, या फिर जितनी कुछ भी मैं डे टू डे वर्क कर रही थी वो लग रहा था कि कुछ मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, वो काइंड ऑफ रिपीटेटिव हो रहा था। तब उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्विच करना है। तो आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया इस स्विच के लिए? आपने इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपरेशन किया, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? कि स्विच के लिए स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा कि स्विच करना है, तब उस टाइम बहुत सारे डाउट्स थे मेरे मन में, क्योंकि मैंने 2023 में सोचा था, लाइक मार्च अप्रैल के टाइम पे मैंने सोचा कि स्विच करना है, और इस टाइम पे सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही थी और रिसेशन का टाइम था। तो उस टाइम मैं खुद डाउट में थी कि इस टाइम पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि ठीक है एक बार चांस लेकर देखते हैं। फिर मैंने रेज्यूमे बनाया और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अपडेट किया अपना रेज्यूमे जो पहले वाला था, और फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। बट बीच में भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, लाइक मैंने रेफरल लिया बहुत सारी कंपनी में, उसके बाद भी मेरा कॉल नहीं आ रहा था इंटरव्यू के लिए। तो बार बार मुझे अपने डिसीजन पर डाउट हो रहा था कि ये सही टाइम है या नहीं स्विच करने के लिए। तब भी मैं कुछ टाइम ब्रेक लेती थी कि ठीक है अभी नहीं करना है, नहीं आ रहा कॉल, बट फिर स्टार्ट करती थी कि रिसेशन कब खत्म होगा पता नहीं है, तो कितने दिन तक मैं वेट करूंगी, और मुझे डे टू डे जो वर्क था उसमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है अब अप्लाई ही करती हूँ। फिर ऐसे ही करते करते 3-4 महीने मैंने पूरा सिर्फ जॉब सर्च का ही ट्राई किया, और फिर माइक्रोसॉफ्ट से आया था इंटरव्यू।
तो आपने जॉब सर्च के लिए कौन कौन से पोर्टल्स में जॉब ढूंढी, कुछ पोर्टल्स के नाम आप बता सकती हैं? हाँ, मैंने प्रोफाइल तो अपने सारे पोर्टल्स पे बना रखा था, लाइक naukri.com, फिर इंस्टा हायर, एंजल लिस्ट, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन का मैंने प्रोफाइल बहुत अच्छा कर रखा था, सब कुछ अपडेट किया था। तो लास्टली मुझे जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर मिला वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही मिला मुझे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट में क्योंकि आपने एज एन एक्सपीरियंस ज्वाइन किया है एंड मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, तो आई एम श्योर आपके काफी डिफरेंट राउंड्स हुए होंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट के हायरिंग प्रोसेस में आपके क्या क्या राउंड्स हुए थे? ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट में मेरा एक कोडिंग टेस्ट हुआ फिर से, जिसमें DSA क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 DSA क्वेश्चंस थे, वो लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। फिर इंटरव्यू राउंड्स मेरे 4 हुए थे कोडिंग टेस्ट के बाद, जिसमें पहला राउंड DSA राउंड ही था, उसमें भी DSA के ही क्वेश्चंस थे। एंड सेकेंड राउंड था वो थोड़ा डिजाइन पे बेस्ड था, कि डिजाइन पैटर्न्स वगैरह पे क्वेश्चन हुए जो मैंने पहले अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रखे हैं और कैसे यूज किया है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना था। फिर मुझे एक एप्लीकेशन का लो लेवल डिजाइन का लिखना था, क्लासेस एंड डायग्राम्स वगैरह से शो करना था। ये सेकेंड राउंड था। फिर थर्ड और फोर्थ राउंड में मोस्टली प्रोजेक्ट डिस्कशन था, और जितनी चीजें भी मैंने रेज्यूमे में मेंशन कर रखी थी, मेरे सैमसंग के प्रोजेक्ट्स जो भी थे, जो टीसीएस में मैंने काम किया, मैंने कॉलेज में जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया था, और कुछ मेरे एंड्रॉयड के साइड प्रोजेक्ट्स थे, तो जितना भी मैंने मेंशन कर रखा था सब पे क्वेश्चंस हुए थे लास्ट के 2 राउंड। ओके, सो सबसे पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड देन एक कोडिंग टेस्ट हुआ, देन DSA राउंड, सिस्टम डिजाइन राउंड एंड 2 प्रोजेक्ट राउंड हुए। तो फिर आपका HR राउंड भी हुआ था उसके बाद? HR राउंड अलग से नहीं हुआ था, लास्ट के जो 2 राउंड थे जिसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन था, उसी में टेक्निकल और मैनेजरियल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी सब उसी में इंक्लूड कर दिया था। ओके ओके, फाइन। सो अभी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया आपको आई थिंक 2 महीने हो गए हैं। ओके, कांग्रेट्स ऑन 2 मंथ्स। एंड आपका अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट में अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैंने रिलोकेट किया है तो न्यू सिटी में, हैदराबाद में, मैं नोएडा में वर्क कर रही थी पहले, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नए फ्रेंड्स बने यहाँ पे, नए सिटी में, और वर्क भी यहाँ का मुझे अच्छा लग रहा है। बेस्ट थिंग ये है कि डे टू डे अब मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ वर्क यहाँ पे। सेम थॉट, काफ़ी डिफरेंट टाइप के काम मिलते हैं। तो स्वाति, आपने सर्विस बेस्ड में भी काम किया है TCS में, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी आपने काम किया, आपने उनके इंटरव्यूज दिए हैं एंड आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला, सैलरी डिफरेंस कितना रहता है सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड? ओके, सो एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो सर्विस बेस्ड कंपनी तो सैलरी बहुत कम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी अच्छी नहीं देते। अगर आपके ऑलरेडी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप अच्छी सैलरी है आपकी, और उसके बाद आप सर्विस बेस्ड पे स्विच करते हो तो भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। सो ये एक टाइप ऑफ मिथ है कि सर्विस बेस्ड पे नहीं करती ज़्यादा, फ्रेशर्स को नहीं करती है, बट एक्सपीरियंस को अच्छा पे करती है। ओके, कल्चर वाइज क्या डिफरेंस रहता है सर्विस बेस्ड वर्सेज प्रोडक्ट बेस्ड? कल्चर वाइज डिफरेंस ये रहता है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको पर्क्स वगैरह कम मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत सारे पर्क्स होते हैं, और सर्विस बेस्ड कंपनी में आप क्लाइंट डिपेंडेंट होता है सब कुछ, तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो आप कभी भी काम कर सकते हो, लाइक आपको दिन में मन है दिन में काम कर सकते हो, रात में मन है रात में काम कर सकते हो, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना। ओके, दैट इज कल्चर वाइज। माई थर्ड डाउट इज कि वर्क वाइज कितना डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है काम इन टर्म्स ऑफ वर्क एक सर्विस बेस्ड वर्सेज प्रोडक्ट बेस्ड में? तो सर्विस बेस्ड में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन मैंने जितने मंथ्स भी काम किए उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे क्लाइंट पे आपका सारा काम डिपेंडेंट होता है, उसमें आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप अगर नहीं चाह रहे हो किसी टेक स्टैक पे काम करना तो आपका टेक स्टैक चेंज नहीं कर दिया जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा वो काम। उसमें आप ये नहीं बोल सकते, अगर आप टीम भी चेंज करना चाह रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। एंड प्रोडक्ट बेस्ड में होता है कि सब कुछ इंटरनल होता है, तो काम वाइज भी आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस पे वर्क करना है, किस में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। बेसिकली सर्विस बेस्ड इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड, क्लाइंट कस्टमर ओरिएंटेड, तो कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है, आप वहाँ पे आपके कोई से नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। स्वाति, कुछ रिसोर्सेज आप शेयर कर सकती हैं जिनने आपको हेल्प की स्विचेस करने में एंड प्रिपेयर करने में? ओके, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे और क्या क्या फॉलो करना चाहिए,
उसमें मैंने सारा कुछ बताया, लाइक डीएसए के लिए क्या कर सकते हो आप, सिस्टम डिजाइन के लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए, वो डिटेल वीडियो है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डीएसए के लिए आप लीडकोड बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा बहुत सारी अभी शीट्स है, डीएसए शीट्स है, एसडी शीट्स है, वो सब आप कोई भी एसडी शीट एक उठाओ और आप उसे पूरा सॉल्व करो, बार बार स्विच मत करो कि इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, दूसरे के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी एक शीट उठाओ और उसको पूरा सॉल्व करो। देन सिस्टम डिजाइन के लिए आप लो लेवल डिजाइन के लिए तो वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, आपको डिजाइन पैटर्न्स पढ़ सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशन का लो लेवल डिजाइन आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए यूट्यूब इज द बेस्ट रिसोर्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, सो जो भी आपने वीडियो बताई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड एनी फाइनल एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, तो मेरा बस एक यही एडवाइस है कि अपने आप पे बिलीव करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। आप जो भी सोच रहे हो मे बी वो अभी इंस्टेंट आपको नहीं मिले, बट एक साल दो साल अगर आप मेहनत करते हो तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो भी आपका ड्रीम है। और थोड़ा अवेयर रहो, मैं कॉलेज में मैंने ये मिस्टेक किया था कि मैं अवेयर नहीं थी कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, तो आप थोड़े चीज़ों से अवेयर रहो कि कैसा इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हो। थैंक यू सो मच स्वाति। थैंक यू फॉर हैविंग मी।